सबसे पहले है हमारे पास क्या चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जब इंग्लिश की बात करते हैं तो बेटा इंग्लिश में हर, आप ये समझ लीजिए, लाइन हो कोई भी चीज हो, वो कहां से निकल कर आ रही होती, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सवाल ये पैदा होता है, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे वजूद में आई, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कहां से, इसका ओरिजिनेशन क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ ये। तो देखिएगा मैं आपको बहुत ही सिंपल एक स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं, जब आप नर्सरी क्लास में होते हैं, वन क्लास में होते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज बताई जा रही होती है, अल्फाबेट्स या लेटर्स, ए बी सी टिल जेड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को मिलाते हैं तो बनता है वर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स गिविंग सम सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अल्फाबेट्स को मिलाया तो एक वर्ड बन गया, जैसे कि ए डबल पी एल ई एप्पल सेब, जी ओ गो जाना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स था, इसने एक मीनिंग दिया तो ये एक वर्ड बन गया। वर्ड्स को मिलाते हैं तो बन जाता है सेंटेंस, सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पहले क्या चीज थी, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से आपने क्या बनाया, वर्ड, वर्ड से क्या बनाया, सेंटेंस। फिर जब हम सेंटेंसेस को मर्ज कर देते हैं, सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, तो बन जाता है पैराग्राफ, ठीक है। अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ। फिर जब हम पैराग्राफ को मिलाते हैं तो हमारे पास सामने क्या आ जाती है, स्पीच। ओके, फिर मैं एक दफा चीजों को बता देता हूं, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, स्पीच। जब आपने उस स्पीच को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, तो जो चीज निकल कर आती है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो टुकड़े निकल के आ रहे हैं ना स्पीच के, इसमें नाउन निकल कर आया, प्रोनाउन निकल कर आया, वर्ब निकल के आया, एडजेक्टिव निकल के आया, कंजंक्शन निकल के आया, प्रपोजिशन निकल के आया, और जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो निकल कर आए। अब ठीक है सर, हमने देख लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, अब सर प्लीज ये बताइएगा पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिएगा, देखिए इंग्लिश में याद रखिएगा, हर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस, उसमें एक वक्त में एक वर्ब का होना जरूरी है, एक वक्त में। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, एक वक्त में एक वर्ब का। ये पॉसिबल है कि नाउन मौजूद ना हो, ये पॉसिबल है कि प्रोनाउन मौजूद ना हो, ये पॉसिबल है आर्टिकल मौजूद ना हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि एक वक्त में सेंटेंस में वर्ब मौजूद ना हो। यानी कि सर इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ द स्पीच में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ द स्पीच है सर, वो क्या है बेटा, वर्ब है वो। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ओके, नॉर्मली व्हेन आई आस्क द स्टूडेंट्स, वुड यू प्लीज टेल मी द व्हाट इज द वर्ब, so mostly the students answer me sir verb shows an action। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ बताइए verb क्या होता है, तो बच्चे मुझे जवाब देते हैं सर verb action को जाहिर करता है, नहीं काम को। काम से मुराद खाना, पीना, सोना, उठना, हंसना, खेलना, कूदना, सर इसे हम क्या कहते हैं, verb कहते हैं। तो याद रख, verb सिर्फ और सिर्फ action को show नहीं करता, वर्ब एक्शन को भी शो करता है और वर्ब स्टेट को भी शो कर रहा होता है। एक्शन और स्टेट क्या है, आज की जो क्लास है वो यही है। आप लोगों ने अच्छी क्लास में, चाहे आपको बाकी चीजें समझ आए या ना आए, वर्ब समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा, वर्ब एक्शन को शो कर रहा होता है, वर्ब स्टेट को शो कर रहा होता है। एक्शन का मतलब होता है काम, स्टेट का मतलब होता है हालत। ओके, अब ये हालत क्या है, काम तो आपको समझ आ गया, खाना पीना सोना उठना हंसना खेलना, तो वर्ब काम को तो शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना एक काम है। मैं चल रहा हूँ, आई एम मूविंग राइट नाउ हियर, तो ये भी एक काम है, सही है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये भी एक काम है। तो सर ये तो एक्शन है, सर स्टेट क्या है, हालत। अब सुनिएगा, आई एम अ टीचर, I am a teacher. You are my students. आप लोग मेरे students हैं, मैं आपका teacher हूं। तो आप खुद एक second के लिए सोचिए, क्या इस sentence में कोई काम हुआ, मैं teacher हूं, मैंने कोई काम किया, नहीं कोई काम तो नहीं हुआ, मैंने हालत बताई है, मैं teacher हूं, ये वाइट बोर्ड है, क्या ये कोई काम हुआ, नहीं बेटा ये काम नहीं हुआ, ये मैं हालत को शो कर रहा हूं। ओके, इसी तरीके से मैंने कहा मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर,
आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मार्कर है, क्या मैंने कोई काम किया? नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया। तो समझ में क्या आती है? देखिए ये दो हालत हो गई, एक हालत में, एक स्टेट में मैंने कहा मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट्स हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक स्टेट हो गई। इससे हम पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल्स में, ओके। इससे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक तो स्टेट कौन सी हो गई जिसमें मैं ये कह रहा हूं मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट्स हैं, यानी हम किसी भी चीज की या किसी भी इंसान की फिजिकल कंडीशन बता रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल बता रहे हैं, ओके, मौजूदा हालत बता रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्टेट वर्क। दूसरा जिसमें मैं बात करूं, मेरे पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, उसके पास गाड़ी है, तो ये जो सेकंड थिंग थी, सेकंड स्टेट थी, इसमें हम बात करें कि हमारे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, ये भी एक क्या हो गया, मेरे पास स्टेट हो गया, ओके। और जो थर्ड चीज मैंने आपको बताई वो थी एक्शन, जिसमें कोई काम था, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और इसी तरह से कोई भी काम हो सकता है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं खत लिख चुका हूं, ये तमाम चीजें जो थी वो ये एक्शन है, ये काम है, और जो हालत जिसकी एग्जांपल्स मैंने अभी अभी आप लोगों को दी है, ठीक है। तो ये वर्ब था, और जिस बच्चे ने वर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया, जो इसमें एक्सपर्ट हो गया, उसे इंग्लिश में उसके मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। आपने अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले जिस चीज पर काम करना है वो वर्ब है, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक्शन और स्टेट लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। तो यहां से देखिए, मैंने जो सेंटेंसेस की एग्जांपल्स अभी आपको दिए, इसमें हमने देखा इंग्लिश बोलते हुए, इंग्लिश पढ़ते हुए हम मोस्टली तीन डिफरेंट नेचर के सेंटेंसेस ही यूज कर रहे होते हैं। मतलब सर क्या मुराद इससे, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि जितनी भी इंग्लिश हम बोलते हैं बेटा, उसमें हम सिर्फ तीन डिफरेंट नेचर के सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। एक होता है एक्शन, जिसमें मैंने काम की एग्जांपल्स दी थी, एक होता है स्टेट, जिसमें हमने हालत की बात की, अपनी हालत, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, ये व्हाइट बोर्ड है, ये थका हुआ है, ये बीमार है, ये वाली हालत। और जो तीसरा नेचर है, इसमें हम बात करते हैं मेरे पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, इसके पास बोर्ड मार्कर है, और कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, अपने पास कुछ होने की बात करते हैं, किसी और के पास कुछ होने की बात करते हैं, तो ये स्टेट था, ओके।